Assalamualaikum beautiful peoples, तो मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। यार बेसिकली वैसे हम तो रहते हैं सिटी में, तो वैसे हमारे जो ननिहाल हैं वो हैं गांव में रहते हैं। तो आज मैं आया हूँ वहाँ पे, तो अभी मैं जाने लगा हूँ थोड़ी देर तक डेरे पे, फिर आपको डेरे का व्यू भी दिखाता हूँ। तो जब हम छोटे थे तब इस पर बड़ा खेला करते थे, इस पर कभी लड़ाइयाँ वगैरह करते थे, तो बड़ा कुछ करते थे, काफ़ी ज़्यादा यादें भी जुड़ी हैं इससे। ये मैंने अभी एक अमरूद उतारा है, बिल्कुल छोटा था, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ कि एक खाने में तो हाई नरम होगा, क्योंकि वैसे जो फेरी वाले आते हैं उनके पास ऐसे अमरूद नहीं होते, उनके पास बड़े साइज वाले होते हैं। तो ये मैंने दरख्त से अभी उतारा है, तो ये देखने में इसका बच्चा था कि हम लोग खाने वाला अमरूद है। इससे गाँव की ज़िंदगी का मज़ा बड़ा है हर लिहाज से भी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ना सिटी में रहना पड़ता है, जैसे कि आप समझ लो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशन, इन की वजह से जो है ना सुविधा की वजह से लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। और वैसे ये भी काम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे गांव में, इस गांव में ना तो स्कूल है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है छोटा सा, वो भी सिर्फ प्राइमरी लेवल तक है। इसके अलावा ना तो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह आता है, ना कोई यहाँ पे कोई और सहूलियात पे मौजूद है। अब जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर जाना पड़ता है साथ वाले गांव में, तो किसी वजह से फिर ज़्यादा लोग जो है शहर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इस कंडीशन में अकेले शहर का भी मज़ा ले रहे हैं साथ साथ, और साथ में गांव का। अब ना तो पूरे बर्गर और ना ही आप बर्गर, ना ही प्योर देसी।
का काम है जैसी जुगाड़। साइकिल लगाई हुई है इनकी, आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो कर लेना जा। अरे जाट के आपके भाई बिलाल से इसके कजन लगते हैं ये अजीब क्या नाम इसे कहते हैं, पट्टे को उतरने वाली मशीन। अब पट्टे क्या होते हैं आपको ये भी नहीं पता, तो ये जैसे जिसे चाड़ा कहते हैं ना भैंसों के लिए।